हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं, दोस्तों अगर आपके पास विंडोज़ पीसी में, विंडोज़ 10 में और विंडोज़ 11 में प्रिंटर का एरर आ रहा है तो आप इस एरर को कैसे इजीली रिमूव कर सकते हैं। तो बहुत सिंपल है, आप इस वीडियो को एंड तक देखते रहिए। दोस्तों, आपको सबसे पहले विंडोज़ की सेटिंग में जाना है। स्टार्ट मेनू पर क्लिक कीजिए, सेटिंग पर क्लिक कीजिए, विंडोज़ सेटिंग ओपन हो जाएगी। आपको स्क्रॉल करना है, उसके बाद आपको यहाँ पर ट्रबल शूट के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर अदर ट्रबल शूटर पर क्लिक करना है। फिर दोस्तों, आपको यहाँ पर फाइंड आउट करना है प्रिंटर, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। फिर आपको यहाँ पर रन के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं डिटेक्टिंग प्रॉब्लम्स। तो ये प्रोसेस कम्प्लीट होने तक आप थोड़ा सा वेट कीजिए। ओके, उसके बाद आपको जो है इस विंडो को क्लोज कर देना है, सेटिंग को क्लोज कर देना है। फिर आपको विंडोज़ 11 के सर्च बार में टाइप करना है सर्विसेज। उसके बाद आप इसको क्लिक कर ओपन कीजिए। सर्विसेज ओपन होने के बाद दोस्तों, आपको यहां पर फाइंड आउट करना है प्रिंट स्पॉलर। फिर आप इसको सेलेक्ट कीजिए, राइट क्लिक कर प्रॉपर्टी पर क्लिक कर देना है। और दोस्तों, आपको यहाँ पर स्टार्टअप टाइप जो है ऑटोमेटिक सेलेक्ट करना है इस तरीके से। उसके बाद अप्लाई के ऊपर क्लिक कर ओके के ऊपर क्लिक कीजिए। फिर आप इस विंडो को क्लोज कीजिए। उसके बाद दोस्तों, आपको रन कमांड ओपन करना है। आप शॉर्टकट की का यूज़ कर सकते हैं, विंडोज़ की प्रेस करते हुए आपको आर प्रेस कर देना है। फिर इस तरीके से यहां पर टाइप कर ओके के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों, आपको यहां पर सर्च बार में इस तरीके से टाइप करना है। ये जो टेक्स्ट है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से इजीली कॉपी कर पेस्ट कर सकते हैं। फिर आप एंटर प्रेस कीजिए। उसके बाद आप यहां पर देख सकते हैं डायरेक्ट ये फोल्डर में आप आ जाएंगे। उसके बाद आपको इसको राइट क्लिक करना है, यहाँ पर परमिशन के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर आपके पीसी का नेम शो हो जाएगा, तो आप सेलेक्ट कीजिए उसको। सेलेक्ट कर यहाँ पर अलाउ के ऊपर आपको क्लिक करना है। आप यहाँ पर देख सकते हैं फुल कंट्रोल, आप इस पर इस तरीके से क्लिक कीजिए, यहाँ पर अलाउ के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद अप्लाई के ऊपर क्लिक कर ओके के ऊपर क्लिक कर देना है। फिर दोस्तों, आप इस सेटिंग को क्लोज कीजिए। उसके बाद आप अपने पीसी को एक बार रिस्टार्ट कीजिए, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो इस तरीके से आप प्रिंटर की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया, तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।